नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। और आज हम मौजूद हैं नोएडा में, नोएडा के प्राइमा केयर हॉस्पिटल में। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, जो कि यूरोलॉजी के डायरेक्टर हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। थैंक यू काजोल, थैंक यू न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया एंड फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। सर, किडनी ट्रांसप्लांट पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोस्टेट पर हम बात करना चाहेंगे। प्रोस्टेट क्या है, लोगों को पता नहीं है, लोग अवेयर नहीं है इस चीज़ के बारे में। आपके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते होंगे, कैसा फीडबैक रहा उनका, कैसे आप ट्रीट करते हैं? देखिए काजोल जी, मैं एक इसके माध्यम से समझाना चाहती हूँ। प्रोस्टेट एक मेल रिप्रोडक्टिव एसेसरी ग्लैंड होती है और ये हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के चारों तरफ ये होती है। इट इज़ अ पियर शेप्ड ग्लैंड। अगर हम इसको कट सेक्शन में इसको डिवाइड करें तो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये हमारी मूत्र की नली है जिसको हम यूरिथ्रा बोलते हैं, और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। नॉर्मली प्रोस्टेट ग्लैंड इस टाइप सी होती है, लेकिन जब ये 40 से 50 साल की एज में हमारी बॉडी में कुछ हार्मोनल एंड बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं तो वो बढ़ने लगती है। जब वो बढ़ने लगती है तो वो जब उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है तो जो ये मूत्राशय की जो ये नली है इस पर इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो उसी की वजह से जब ये ज़्यादा होती है तो करीब करीब ये पूरा भी ब्लॉक कर देती है। तो ऐसे में कभी कभी पेशेंट का यूरिन में बंद लग जाता है। आपने सुना होगा कि पेशेंट का अचानक यूरिन बंद हो गया, उसको कैथेटर डालना पड़ा। तो जब पूरी प्रोस्टेट अचानक से एनलार्ज हो जाती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो पूरा इसको ब्लॉक कर देता है। तो ये एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके वेरियस स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की और इसकी ग्रोथ की। ये नॉर्मल प्रोस्टेट है, इसमें आप एक देख सकते हैं यूरिथ्रा में इसने कोई कंप्रेशन नहीं किया हुआ और पेशेंट को आराम से यूरिन आ सकता है। तो ये जब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जरूर जानना चाहेंगे हम कि इसका काम क्या है, वर्क क्या, जी, बिल्कुल, क्या यूज है इसका? जब ये जो स्पर्म्स प्रोडक्शन में और जब ये सीमेन प्रोडक्शन में जब ये इजैकुलेशन होता है तब उस टाइम पर ये ग्लैंड में सिक्रीशंस होते हैं, ये मोबिलिटी प्रोवाइड करती है स्पर्म्स को, ये इसका फंक्शन होता है। लेकिन जब ये ग्लैंड धीरे धीरे, जैसे मैंने पहले भी कहा, 50 ईयर्स के बाद बॉडी में हार्मोन एंड केमिकल चेंजेस होते हैं तो इसके बाद इसके ये ग्लैंड अचानक बढ़ना शुरू कर देती है और इसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? आपने कहा कि सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, एक मेल को कैसे पता चले कि उसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है या प्रोस्टेट में उसके कुछ दिक्कत हो सकती है, कैसे वो डॉक्टर से कंसल्ट करे? बिल्कुल सही फरमाया काजोल जी आपने। जो इसके प्रोस्टेट के सिम्टम्स होते हैं ये दो भागों में डिवाइड होते हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स होते हैं और कुछ इरिटेटिव सिम्टम्स होते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स में जैसे पेशेंट को बार बार उसके पेशाब की धार थोड़ी सी कमज़ोर होने लगती है, जैसे वो पहले पेशाब करता था और अब वो पेशाब करता है तो वो उतनी स्ट्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आती है, या यूरिन करने के बाद भी उसका कुछ यूरिन रह जाता है, उसको हम बोलते हैं कि सेंस ऑफ इनकम्प्लीट यूरिनेशन, या उसको रात को 2 या 3 बार उठना पड़ता है यूरिन करने के लिए। तो ये कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स होते हैं। जैसे इरिटेटिव सिम्टम्स में जैसे पेशेंट या यूरिन करने के लिए गया तो उसको यूरिन करते हुए टाइम लगता है। नॉर्मली लोगों को यूरिन करते हुए टाइम नहीं लगता, इन लोगों को 30-40 सेकेंड्स, कुछ कुछ को लोगों को 1-2 मिनट लगते हैं यूरिन स्टार्ट करने में। और जब वो यूरिन स्टार्ट भी करते हैं तो भी पेशाब की धार में इंटरप्शन होता रहता है और वो पूरी कंप्लीट पेशाब की धार नहीं बनती, बेसिकली जो क्लीन यूरिन है वो पास आउट नहीं, वो नहीं होता। कुछ लोगों को वेट करना पड़ता है यूरिन के लिए, एक बार यूरिन कर लिया फिर आधा मिनट या 1 मिनट यूरिन का दोबारा वेट किया फिर दोबारा यूरिन आया, या कभी कभी यूरिन में ब्लड आ जाता है, यूरिन में इन्फेक्शन या जलन होने लगती है। तो ये कुछ खास सिम्टम्स होते हैं प्रोस्टेट के। और बेसिकली ये कितना हार्मफुल हो सकता है एक मेल के लिए, और मतलब मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि एक मेल को कैसे पता चले कि अब उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और इन फ्यूचर वो कितना हार्मफुल हो सकता है? क्योंकि आपने कहा कि ये जो प्रॉब्लम है वो ऐसा नहीं है कि 40 के बाद ही आएगी, उससे पहले भी प्रॉब्लम्स कई मेल्स में देखी गई है। कुछ मेल्स में देखी जा सकती है जिनमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टेट है या फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टेट कैंसर है, जिनके फादर को या ब्रदर को या मैटरनल साइड या पैटर्नल साइड अगर है तो उनमें सिम्टम्स जल्दी आ सकते हैं।
तो इसके लिए सबसे पहले पेशेंट को अवेयरनेस की ज़रूरत है, हमारी जनरल पब्लिक को अवेयरनेस की ज़रूरत है कि ये होता क्या है एग्जैक्टली. ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसको डायग्नोस करना बहुत आसान होता है और बहुत ही इसके सिंपल टेस्ट होते हैं. इसमें जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, जैसे इन पेशेंट्स को जैसे कोई भी ऐसा सिम्टम्स है या जो उसको 2 या 4 महीने पहले सिम्टम्स नहीं थे जो अचानक से धीरे धीरे शुरू हो गए हैं, तो उनको या तो नज़दीक के फिजिशियन के पास शुरू में दिखाना चाहिए या यूरोलॉजिस्ट के पास उनको दिखाना चाहिए. और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं सिंपल, इसमें यूरिन का टेस्ट होता है, यूरोफ्लोमेट्री होती है, प्रोस्टेट का एक अल्ट्रासाउंड और एक सीरम पीएसए लेवल होता है, जो कि बहुत ही बेसिक इन्वेस्टिगेशन हैं और जो मेरे ख्याल से आजकल Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज में भी ये सारी इन्वेस्टिगेशन, ये सारी जो जांचें हैं वहाँ पर उपलब्ध है. वहाँ पर किसी भी फिजिशियन या यूरोलॉजिस्ट के पास जाके पेशेंट उनको कॉन्टेक्ट कर सकता है, उनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता सकता है. सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि लोगों में इसमें अवेयरनेस कम है, तो लोग बहुत ही मतलब ये डिजीज होने के बाद काफी देर आते हैं, तब तक उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है. अवेयरनेस की कमी समझ नहीं पाते कि हाँ ये बेसिकली क्यों प्रॉब्लम हो रही है. लोगों को लगता है कि कॉमन प्रॉब्लम है, थोड़े दिन बाद ठीक हो जाएगी. बिल्कुल, ये वाली चीजें. हाँ जी, हाँ जी. इसके अलावा जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो ट्रीटमेंट कैसा होता है, आप उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं? जैसे मैंने बताया, एक तो इन्वेस्टिगेशन बहुत ही सिंपल होती है. अब इसका जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट में भी मोस्ट ऑफ द पेशेंट 70-80% पेशेंट्स को ये दवाइयों के माध्यम से ही कंट्रोल हो जाता है. उनको बस बेसिकली एक मेडिसिन नाइट टाइम में लेनी होती है और बाय एंड लार्ज उनके 70-80% ट्रीटमेंट उनका और उनके सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं. लेकिन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पेशेंट्स को टाइमली अपनी बीमारी के बारे में पता चलना चाहिए, उसको अवेयरनेस होनी चाहिए और वो नज़दीकी फिजिशियन या यूरोलॉजिस्ट के पास वो जाना चाहिए. और अगर वो इनिशियल फेज पर आते हैं तभी हम उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते हैं. अगर जो पेशेंट लेट आते हैं तो उनमें हमें सर्जरी की ऑप्शन उनको देनी पड़ती है. हाँ बिल्कुल, सर्जरी पे ही मैं आ रही थी. कौन सी ऐसी मतलब एक एज आ जाती है कि सर्जरी की जरूरत जब लोगों को पड़ती है? एंड सेकेंड थिंग, कि क्या इसका असर आसपास के ऑर्गन्स पर भी पड़ता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा काजोल जी. मैंने जैसे पहले कहा कि 60-70% लोगों को ऑपरेशन की या सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है. अगर वो जल्दी आ जाएं डॉक्टर के पास या जल्दी से उनको कंसल्टेशन कर ले तो वो मेडिसिन से ट्रीटेबल है. सर्जरी के इंडिकेशंस कुछ ही होते हैं, जैसे जिन पेशेंट्स का लाइफस्टाइल इतना बीमारी से परेशान हो गया है कि उनको बार बार यूरिन करने के लिए उठना पड़ रहा है, उनकी स्लीप डिस्टर्ब रहती है जिसकी वजह से उनका नेक्स्ट डे लिथार्जिक या फील करते हैं, वो एक्सेसिव स्लीपीनेस डे टाइम में फील करते हैं, यूरिन में अगर ब्लड आ रहा है या प्रोस्टेट के साथ साथ पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है और जिसमें उसको एडमिट होना पड़ रहा है, आईवी एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ रही है, या कभी कभी प्रोस्टेट में के साथ किडनी या ब्लैडर स्टोन बन जाते हैं, उन पेशेंट्स को ही हम सर्जरी रिकमेंड करते हैं. बट बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ द पेशेंट दे कैन बी मैनेज्ड वेल बाय द मेडिकेशंस ओनली. किडनी स्टोन का जिक्र किया आपने, किडनी स्टोन जब अगर बन रहा है क्या इसका असर भी पड़ता है प्रोस्टेट पर? नहीं, ये अलग अलग प्रोसेस हो गया है. ठीक है, इसके लिए भी लोगों को अवेयर होने की जरूरत है जी. एंड सेकंड थिंग, कि आपने कहा कि ये जो प्रोस्टेट है स्पर्म काउंट भी करता है, ये स्पर्म्स की मोबिलिटी के लिए जो सिक्रीशंस होते हैं वो प्रदान करता है, वो एक्सक्रीट करता है. तो इससे क्या स्पर्म पे कोई इफेक्ट पड़ता है अगर आपको इस चीज की प्रॉब्लम हो रही है तो? स्पर्म्स की मोबिलिटी में ये हेल्प करता है, इट इज अ एसेसरी ग्लैंड, इससे बहुत ज्यादा इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता. यानी कि अगर बेसिकली आपको प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि डीप प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर इसको ट्रीटमेंट करवाते हैं तो बहुत इजीली आप रिकवर हो सकते हैं. और इसमें आजकल जैसे मैंने बताया कि सर्जरी भी ऑप्शन है, आजकल जो हमारे पास एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, हमारे पास लेज़र टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, थूलियम लेज़र आ गया है जो लेटेस्ट एडवांस्ड लेज़र हैं, और बाकी तो इसमें ओलंपस का लेज़र्स हैं जो कि बिल्कुल ही एंडोस्कोपिक लेज़र सर्जरीज होती हैं. इसमें पेशेंट का बहुत जल्दी फास्ट रिकवरी हो जाती है, 1-2 दिन पेशेंट को एडमिट रहना पड़ता है एंड ही कैन बी बैक टू हिज नॉर्मल रूटीन एंड नॉर्मल लाइफ स्टाइल विद इन 4-5 डेज.
यानी हम कह सकते हैं कि लोग वाकई अवेयर हो जाएं इस चीज को लेकर, क्योंकि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आपने बताई है कि मेल्स में बहुत कॉमन। मैं बता रहा हूँ काजोल जी, अगर ये हम बात करें, अगर 60 इयर्स के बाद ये प्रॉब्लम 70% मेल्स में होती है। अगर कोई 70 इयर्स की एज तक पहुंचते हैं तो ये प्रॉब्लम इंसिडेंस पाया गया 80-85% पेशेंट्स में, तो ये इतना कॉमन है, लेकिन इसकी अवेयरनेस ज्यादा नहीं है लोगों को। कुछ तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अवेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर कुछ भी, अगर आपको यूरिन से संबंधित या मूत्रालय से संबंधित कोई भी अगर बीमारी है, या जो भी अगर आपको पेशाब की धार पतली है, पेशाब बार बार आता है, पेशाब में जलन है या पेशाब में ब्लड आ रहा है, तो आप निसंकोच अपने फिजिशियन या यूरोलॉजिस्ट के पास इमिडिएटली जाइए। इस चीज़ का समाधान बहुत ही सरल है, इसमें घबराइए मत, जस्ट कम आउट। लोग जो है वो बहुत शाय होते हैं, खुलकर डॉक्टर से नहीं बोल पाते, या फिर अगर अपने पार्टनर के साथ आ रहे हैं तो भी डॉक्टर से नहीं बोल पाते हैं, तो आप क्या पहले उन्हें पूरी तरह से कंसल्ट करते हैं, उन्हें समझाते हैं, किस तरह से उन्हें कन्विंस करते हैं कि आप अपनी बात रखिए? हम उनको बिल्कुल एक अच्छा एटमोसफेयर प्रोवाइड करते हैं, उनकी बात को बिल्कुल हम अच्छी तसल्ली से सुनते हैं, आराम से पेशेंट को बिल्कुल कंफर्टेबल कर रखते हैं। उनके पार्टनर से भी अगर डिस्कस करना पड़ता है तो हम वो करते हैं, और जब एक बार पेशेंट का कॉन्फिडेंस आ जाता है डॉक्टर पर, तो वो अपना बता देता है सारी चीज़ें, अब उसके बारे में हम पेशेंट से हम खुलकर डिस्कस करते हैं कि ठीक है। अब लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रोस्टेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किडनी पर हम आते हैं, किडनी की जो प्रॉब्लम्स है बहुत कॉमन हो गई है आजकल, लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि किडनी कितनी ख़राब हो रही है उनकी, बार बार स्टोन्स बनना, बार बार यूरिन जाना, क्या ये सिम्टम्स हैं कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम है? हाँ जी काजोल जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया, आजकल किडनी डिजीज़ काफ़ी कॉमन होती जा रही है, और एक होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जिसमें पेशेंट की किडनी ख़राब हो जाती है तब उसको पता चलता है। तब हम जो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि 70% ऑफ द किडनी डिजीज दे आर बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। इसका मतलब जिन लोगों को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर होता है, उन लोगों को 70-75% चांस है कि वो उनकी किडनी पे इसका इफ़ेक्ट आता है, अगर वो कंट्रोल नहीं है। तो सबसे पहले जो किडनी हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, तो पेशेंट शुड बी वेरी मच एजुकेटेड अबाउट हिज और हर ब्लड प्रेशर, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ हिज और हर ब्लड प्रेशर, और उनका जो डायबिटीज़ है वो कैसे कंट्रोल में चल रही है। अगर पेशेंट डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, तो वो काफ़ी हद तक क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की जो संभावनाएं होती हैं उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। वैसे तो बॉडी के हर ऑर्गन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर ज़रा सा भी किसी भी ऑर्गन पर फ़र्क पड़ता है तो आपकी पूरी बॉडी पे फ़र्क पड़ता है। किडनी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। किडनी आपकी प्रॉब्लम कर रही है, आपको किस स्टेज में जाना चाहिए डॉक्टर के पास कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, क्या मेरी किडनी में कुछ परेशानी है, क्या मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? सबसे पहले तो आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो गया है, मेट्रोज में लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गया है, तो वी कैन सी सो मैनी यंगस्टर दे आर हैविंग ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, तो इन लोगों का इनको पीरियोडिकली एक हेल्थ चेकअप्स करने चाहिए, जिसमें किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है और यूरिन का टेस्ट होता है, एक अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, तो उसकी माध्यम से उसके हिसाब से वो उन लोगों को पता चल सकता है कि उनकी किडनी पे कुछ असर तो या इफ़ेक्ट तो नहीं आया है। अगर ये रिपोर्ट्स अगर ठीक है तो पेशेंट कैन सी कि उनकी किडनी अच्छी है, और ये पीरियोडिकली हेल्थ चेकअप्स करने चाहिए। अच्छा, किडनी को हेल्दी कैसे रख सकते हैं? किडनी को सबसे पहले तो मैंने बोला कि अगर आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है, आप इसको बिल्कुल कंट्रोल वे में रखिए, आप बराबर एक्सपर्ट कंसल्टेंट से आप मिलिए, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को बिल्कुल सही चेक करिए, आपकी जो फास्टिंग ब्लड शुगर होनी चाहिए वो 100 या 105 तक होना चाहिए, और जो खाना खाने के बाद की शुगर होती है जिसको हम पोस्ट प्रांडियल शुगर कहते हैं, 2 घंटे बाद वो 140 या 150 तक ही होनी चाहिए। डॉक्टर, जैसे मैं हूँ, अगर मैं अपने बारे में पूछूँ कि मुझे ना तो डायबिटीज़ है, मुझे ना बीपी की प्रॉब्लम है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, कॉज मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, बार बार यूरिन पास करना पड़ रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरी किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है? जैसे मैंने बोला कि आपको एक किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं, एक अल्ट्रासाउंड, एक यूरिन का टेस्ट होता है, अगर आपके ये टेस्ट
में कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है और या अगर आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर निकलता है तो वी कैन थिंक कि हम किडनी में आपका प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ हाउ टू मेक योर किडनीज हेल्थी, आप एक अच्छी बैलेंस डाइट लीजिए, आप अच्छी नियमित 7 to 8 hours की डीप स्लीप लीजिए, आप प्रॉपर एक्सरसाइजेज योगा करिए एटलीस्ट 45 minutes इन अ डे एंड 5 times a week, आप अच्छी बैलेंस डाइट लीजिए विद गुड न्यूट्रिएंट्स लीजिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल और डायबिटीज़ को कंट्रोल करिए, अच्छा बॉडी में हाइड्रेशन लीजिए 3 to 4 liters, अगर आप एक मॉडेस्ट वर्कर हैं और ऑफिस का ही काम है 3 to 3.5 liters तक आप अच्छा पानी पीजिए, तो जिससे आप ये सारी चीज़ें होती हैं जो आप अपनी एक किडनी को स्वस्थ बना सकते हैं। पर आज के लाइफ स्टाइल में डीप स्लीप बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है लोगों में, लोग इतना स्ट्रेस रहते हैं, वर्क प्रेशर, स्मार्टफोन्स पे, गैजेट्स पे लोग इतना टाइम स्पेंड करते हैं, नहीं हो पाती वो चीज़ें। पानी का आपने जिक्र किया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रहने की ज़रूरत है, वाटर पोल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है, लोग आरओ लगवा रहे हैं वो भी पानी लोगों को सूट नहीं कर रहा है, कई बार प्रॉब्लम आती है, आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे। बस हम पेशेंट्स को एजुकेट ही करते हैं कि अपनी बॉडी को कैसे अच्छा किया जाए। बेसिकली स्ट्रेस रिलीज के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम कर सकते हैं। अगर आप सी हेल्दी माइंड रेस्ट अ हेल्दी बॉडी, अगर आपका माइंड ही परेशान रहेगा तो आपकी बॉडी भी परेशान रहेगी। तो सबसे पहले आपको जो भी जो चीज़ें आपको स्ट्रेस से रिलीव करती है, गो फॉर ए वॉक, प्राणायाम करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, योगा करिए, मेडिटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। और 15-20 मिनट अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो यू विल नोटिस अ ड्रास्टिक चेंज, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी जो लाइफ स्टाइल है थोड़ा तो उसको चेंज करिए, फूड हैबिट्स चेंज करिए, और मतलब लिफ्ट की जगह स्टेयर्स यूज़ करिए। बेसिकली लाइफ स्टाइल अगर चेंज करेंगे तो आपकी काफी किडनी की प्रॉब्लम और समस्याएं खत्म हो जाएंगी। प्राइमर केयर को हम क्यों सजेस्ट करें कि हाँ, यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर मनोज अग्रवाल हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, हम क्यों सजेस्ट करें, ऐसा क्या अलग ट्रीटमेंट है प्राइमर केयर का? काजोल जी, इट इज, मैं जैसे प्राइमर केयर में आई एम ए सीईओ एंड फाउंडर ऑफ द प्राइमर केयर हॉस्पिटल, एंड दिस हॉस्पिटल इज़ मेड बाय द डॉक्टर फॉर द डॉक्टर्स, और हम यहाँ पर एक अच्छी एथिकल प्रैक्टिस में बिलीव करते हैं, एंड वी आर प्रोवाइडिंग द प्रीमियम पर्सनलाइज्ड केयर टू द पेशेंट, आवर पेशेंट्स। जो किसी भी बड़े हॉस्पिटल या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जो पर्सनलाइज्ड केयर नहीं मिल पाती थी या पेशेंट को एक वो वैक्यूम लगता था, वी आर फोकसिंग ऑन दैट। इवन हम लोगों ने, वी आर फॉर्चुनेट दैट इनफ दैट we have treated more than 3000 patients and we have done more than 550 surgeries so far. हम लोगों ने एक coordinator appoint होता है जो patient के साथ और उसकी जो भी समस्याएं आती हैं starting from the admission, TPA से related या discharge के बाद भी हमारे यहाँ जो coordinator है वो patient के निरंतर contact में रहता है, कुछ भी problem होती है feedback देते रहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक बहुत अच्छे well experienced एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है और यहाँ पर एक हम एथिकल प्रैक्टिस करने आए हैं और हम लोग वी आर डेडिकेटेड टू डू एथिकल एंड स्मार्ट वर्क, हम लोग यही बोल सकते हैं। प्रोस्टेट का हमने जिक्र किया था, बेसिकली हमने उसी पे फोकस किया है, प्रोस्टेट सर्जरी के बारे में आपने बोला था। ये सर्जरी जब आप करते हैं तो इसमें किस तरह का डेडिकेशन चाहिए और पेशेंट्स को आप किस तरह से समझाते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि घबराहट होती है पेशेंट्स को, डर लगता है कि चीज़ें ठीक से हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, कितना फेथ लोग आप पर रखते हैं, प्राइमर केयर पर कितना फेथ है लोगों को? देखिए, अगर हम सर्जरी की बात करते हैं तो पेशेंट को हमेशा डर रहता है कि सर्जरी है बहुत बड़ी चीज़ है, सर्जरी ऑफकोर्स इट्स अ बिग थिंग। सबसे पहले तो पेशेंट को अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्लस उसकी एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, प्लस हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स और जो हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, आर्मामेंटेरियम होता है, वो एक बहुत अच्छा होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। तो अगर आपका सर्जन एक्सपीरियंस है, उसके पास अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, तो आई डोंट सी एनी पॉइंट कि आपकी सर्जरी खराब हो सकती है। सर्जरी 40 to 45 minutes 1 hour तक में हो जाती है, इसमें कोई एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं होती है, पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है, और वी हैव गॉट थूलियम लेजर एंड वी हैव गॉट 4K एंडोविजन सिस्टम, जो कि यहाँ पर नोएडा में हम ही एक या दो ही हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, एंड वी आर डूइंग प्रोस्टेट सर्जरीज रेगुलरली,
और पेशेंट को हम यूजुअली सेकेंड या थर्ड डे में डिस्चार्ज कर देते हैं एंड वो अपने जो डेली रूटीन्स होते हैं और डेली एक्टिविटीज़ या जो जॉब वगैरह पे भी जाना होता है वो 5-7 दिन पर जा सकते हैं। इसकी लाइफ क्या है, कितना लॉन्ग लास्टिंग ये सर्जरी सक्सेसफुल हो सकती है? Once a surgery is done, तो I think the problem has gone. मतलब it is for the lifetime. कोई complications नहीं है? Complications, हर surgery comes with a complication. But as I said earlier, अगर आपकी experienced surgeon है, आपके पास अच्छे instrument है, तो वो complications बहुत कम minimize हो सकते हैं, वो nil तक complications जा सकते हैं। आपके पास कोई ऐसा केस आया हो कि आपने लगातार आप बता रहे हैं कि 40 के बाद ये प्रॉब्लम 40 अराउंड 40 50 इयर्स के बाद स्टार्ट होती है? कोई ऐसा केस आया हो किसी यंग मेल में? यंग मेल में एक यूरिन की जो समस्या तो होती है यंग मेल्स में, लेकिन उसमें फिर वो होता है ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन, तो उसमें हम मेडिकेशंस ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अभी हम कुछ अगर यंग पेशेंट्स में होती है तो अगर हम उनकी सर्जरीज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी फैमिली लाइफ कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो हम उनको मेडिसिन से ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपने जिक्र किया फैमिली लाइफ कंप्लीट नहीं हो पाती है, क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है आपकी पर्सनल लाइफ पर, सेक्स लाइफ पर? देखिए एस बाय एंड लार्ज इसका जो सेक्स लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ता, पेशेंट की लिबिडो इरेक्शन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जो उनका डिस्चार्ज होता है वो बाहर ना निकल के वो ब्लैडर के अंदर होता है। Okay. क्योंकि जो ब्लैडर नेक पर जो प्रोस्टेट होती है वी रिमूव बाय सर्जरी, तो वो उनका जो इजैकुलेशन है वो ब्लैडर के अंदर जाता है, बट कोई इसमें सेक्स लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये सर्जरी कितनी कॉस्टली हो सकती है? सी डिपेंडिंग अपॉन द रूम कैटेगरी एंड डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट कैटेगरी वी हैव द सर्टेन कॉस्ट एंड हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि इसको हम इकोनॉमिकली वायबल रखें पेशेंट्स के लिए, और हमारा पूरा प्रयास है कि ये सर्जरी हम बाकी लोगों को तक भी एक उनके बहुत ज़्यादा उनको कोई फिनेंशियल बर्डन ना कर पाए, उनको वही ट्राई कर रहे हैं। जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो यहाँ आके उन्हें कैसा महसूस होता है, कितना वो फेथ रखते हैं कि यार डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी हैं, हमें पूरा फेथ है कि अगर हमारी सर्जरी कोई होती है या हमारा ट्रीटमेंट होता है तो हम 100% आँख बंद करके विश्वास करते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं? पेशेंट्स का हमारे ऊपर फीडबैक है, उनका आशीर्वाद है, बट आई ऑलवेज बिलीव इन द गिविंग ऑनेस्ट प्रैक्टिस, डूइंग ऑनेस्ट प्रैक्टिस, आई एम 100% कमिटेड टू माई पेशेंट्स और मैं एथिकल प्रैक्टिस करता हूँ, बस मैं यही बोलना चाहता हूँ, और बाकी तो मैं सर्जरी करता हूँ ऊपर वाला भगवान ही हम लोग इनको ट्रीट करता है। डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, अब आखिर में बस यही चाहूँगी मैं कि एक खास मैसेज जो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे, और मैं चाहूँगी कि आप उन्हें खास मैसेज दें अवेयरनेस को लेकर, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखिए अर्बन एरियाज में लोग अवेयर है पूरी तरीके से प्रोस्टेट को लेकर, लेकिन रूरल एरियाज में अभी भी लोगों को नहीं पता कि ये क्या प्रॉब्लम है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कौन से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट। मैं चाहूंगी कि पता लगे लोगों को ताकि लोग आए निकले और अपने आप को ट्रीटमेंट दें। थैंक्स काजोल जी एंड थैंक्स न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आप लोगों के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये सिम्टम्स मैंने पहले भी बोला था कि काफी लोगों को है, लेकिन इसमें काफी लोग शाई फील करते हैं, डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहते हैं या घर में डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, यही एक अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ से घबराइए मत, यू कम आउट विद द फैमिली, आप नज़दीकी किसी भी फिजिशियन से मिल सकते हैं, इवन टायर टू टायर थ्रीज में आपके पास फिजिशियंस हैं, आप उनके पास जा सकते हैं, अगर यूरोलॉजिस्ट हैं तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं तो बेहतर रहेगा, लेकिन फिजिशियन को भी दिखा सकते हैं, आप इस समस्या से घबराए मत, और ये काफ़ी कॉमन समस्या है, आप ये मत सोचें कि ये समस्या मुझ में अगर आ गई है तो क्या होगा, क्या लोग कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, और ये काफ़ी कॉमन है, और इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है, इसकी डायग्नोसिस भी बहुत सिंपल है, तो आप इस चीज़ के लिए घबराइए मत, और जैसा भी अगर आपको लगता है आपके कुछ भी प्रॉब्लम है यू कम आउट। बिल्कुल डॉक्टर मनोज अग्रवाल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, प्रोस्टेट क्या है, क्या प्रॉब्लम है, ये बहुत बेहतर तरीके से लोग जान पाए होंगे, क्योंकि यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, और बहुत ही शालीनता के साथ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने समझाया है,
उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो भी क्वेरीज होगी आपकी वो क्लियर हो चुकी होगी। फिलहाल हेलो डॉक्टर में इतना ही, अगले सप्ताह फिर लौटेंगे किसी और टॉपिक पर बात करेंगे किसी और डॉक्टर के साथ। धन्यवाद।